जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल, वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कम कम यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया सोचता रहे, सोचता रहे। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस। जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना, करना है ना, तो सच बोल दो, सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी। क्योंकि ये भी होना आसान है। हम सबने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। एक आदमी चाहे, एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वो ही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं हजार बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी के जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता। वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या एक लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। यू विल बी अनस्टॉपेबल। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, लड़ने की स्पिरिट है, तो आप जीत लोगे, जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। मान लिया हजार वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। अरे मिलेगा भाई,
इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर्म, वो सब बुरे कर्म। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, पूरे नहीं कर पा रहे, तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे, कैसे पूरे करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है, खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए तैयार। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है, उतनी बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते, आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना 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 है, करते तब तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई। हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ है, बस उसको ढूंढना है। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएगी। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आपने सोच लिया मुझे करना है, इतनी प्रॉब्लम आएंगी, माने मुझे करना है, सब कुछ खो सकता है, होने दो मुझे करना है, दर्द होगा होने दो मुझे करना है। आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत दो, तो आप जीत दो। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अपने आप को बोलना है मेरे इनफाइनाइट पावर्स, अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकता हूं। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब
से ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होगा। जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है, उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की। अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे मत डालो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। इमीडिएट मैसिव एक्शन लो। और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दो, पूरी पावर के साथ करो, बिना किसी डर के करो, बिना किसी झिझक के करो और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू करो। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हैं कि ये करना है, करना है, करना है। उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दिया। आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। यू नीड टू बी एज फिट एज यू कैन, एज फिट एज रिक्वायर्ड। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके।